नमस्कार। आज हम करेंगे आंखों के लिए योगाभ्यास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते हुए सभी स्कूल बंद है, सभी बच्चे अपनी पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हैं और ऐसे ही ज़्यादातर लोग जो ऑफिस में काम करते हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से ही अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, जिसके लिए ज़्यादातर मोबाइल, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के ऊपर काम होता है और ये सारे हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इनका इस्तेमाल करने से हमारी आंखों के ऊपर गहरा असर पड़ता है, जिससे हमारी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, आंखों में धुंधलापन आ जाता है और बहुत तरह के नेत्र रोग हमें लग जाते हैं, हमारे सर में दर्द बना रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आंखों के लिए कुछ योगाभ्यास करेंगे, तो चलिए करते हैं। किसी भी आरामदायक पोजीशन में आप बैठ सकते हो या फिर आप चेयर के ऊपर बैठकर भी ये सारे अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने एक हाथ को सामने इस तरह से करेंगे, बिल्कुल सीधा। आप लोगों को सिर्फ अपने अंगूठे को देखना है, फेस को नहीं घुमाना, सिर्फ सामने की तरफ देखेंगे और अंगूठा जिस तरफ जाएगा हम उसको देखते रहेंगे। इस तरह से करेंगे, देखिए धीरे धीरे हाथ को हम साइड की तरफ लेके जाएंगे, देखते रहेंगे। जहां तक हम देख सकते हैं वहां तक हाथ को लेके जाएंगे, फिर धीरे धीरे हाथ को वापस सामने की तरफ लेके आएंगे। इस तरह से एक बार और करेंगे, धीरे धीरे साइड में लेके जाएंगे। नजरें हमारी अंगूठे के ऊपर होनी चाहिए, हमें अपने नाखून को देखना है। धीरे धीरे साइड में जाते रहेंगे और फिर सामने की तरफ, इस तरह से। अब यही अभ्यास दूसरे हाथ से भी करेंगे, ऐसे धीरे धीरे साइड में हाथ को लेके जाएंगे, अब सामने की तरफ लेके आएंगे। फिर दोबारा से एक बार और, फिर धीरे धीरे नीचे। ये अभ्यास आपको एक साइड से 5 बार, दूसरी तरफ से भी 5 बार, यानी कि 10 बार करना है। इसी तरह से हम करेंगे इस अभ्यास को। उसके बाद दूसरा अभ्यास क्या है कि आपको हाथ को सीधा करना है इस तरह से, और हाथ को सबसे पहले हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे, उसी तरह नाखून को देखना है। धीरे धीरे नीचे की तरफ जहां तक देख पाएंगे वहां तक हाथ को लेके जाना है, फिर धीरे धीरे हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, इस तरह से देखते रहेंगे, फिर हाथ को ऊपर की तरफ, सामने। यही अभ्यास दूसरे हाथ से भी करेंगे इस तरह से, पहले धीरे धीरे नीचे फिर ऊपर, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएगा, देखते रहेंगे। ये अभ्यास भी हमें 10 बार करना है। उसके बाद अगला अभ्यास है, हाथ को सीधा करेंगे, फिर इससे एक हम सर्कल बनाएंगे और उसको हम देखते रहेंगे इस तरह से, धीरे धीरे सर्कल बनाना है। जैसे सर्कल बनता रहेगा हमारे आई बॉल भी उसी तरह से रोटेट करती रहेगी, दूसरे हाथ से भी इसी तरह से करेंगे। इस तरह से हमें यह अभ्यास करना है और इसके बाद हमें अपनी आंखों को घुमाना है धीरे धीरे,
फिर उल्टी दिशा में घुमाएंगे, जो आगे चक्कर है इसको देखने की कोशिश करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे, उसके बाद फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर, फिर एक बार और नीचे की तरफ देखेंगे, फिर हमें अपनी नोज के ऊपर, नाक के ऊपर बिल्कुल यहां पर सेंटर में देखना है, दोनों आंखों से एक साथ, फिर रिलैक्स करेंगे, फिर एक साथ देखेंगे, फिर रिलैक्स करना है, 5 से 10 बार इसको कर सकते हैं। इस तरह से ये आंखों के अभ्यास करने के बाद आप सबको अपनी आंखों को बंद करना है, अपने हाथों को अच्छे से रब करना है, इस तरह से अपनी आंखों की सिकाई करनी है, आंखों के ऊपर लगाना है, आंखों को प्रेस नहीं करना, दबाना नहीं है, धीरे से अपने हाथ आंखों के ऊपर लगाएंगे, दोबारा से फिर करेंगे, 6-7 बार करने के बाद आंखों को हाथों के बीच में ही खोलेंगे, थोड़ी देर के लिए आंखों को टिमटिमाएंगे और फिर हाथों को हटा लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी आंखों का ध्यान रख सकते हैं, किसी तरह के रोग से हम इनको बचा सकते हैं। यह अभ्यास आप डेली कीजिए, इसके साथ ही आप जलनीति का अभ्यास करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम का भी आप अभ्यास कर सकते हैं, और साथ ही हमें अपने पैरों के तलवों के ऊपर तेल से मालिश करनी चाहिए, जिससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है और हमारी आंखों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। धन्यवाद।